हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आईटी है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड स्टूडेंट, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे तीन मेथड, नॉर्मली चार होते हैं। एक तो सॉल्वेबल फॉर पी है, सॉल्वेबल फॉर एक्स है, सॉल्वेबल फॉर वाई है एंड क्लोरेंट फॉर्म है। इन चारों पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है और ये एक तरह से नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग पहले ही मेथड यूज कर रहे थे लाइक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, वो आप यहां पे नहीं यूज कर सकते। तो इसमें अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं देखा तो आप वो आईटी पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपके सामने बताऊंगा सॉल्वेबल फॉर पी, राइट। सो इसमें मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे यहां पे सॉल्व करते हैं और सॉल्वेबल फॉर पी मेथड में आज आपके सामने बताने वाला हूं। सो सुन, यहां पे जो डीवाई बाय डीएक्स होता है उसको पी से डिनोट किया जाता है और डीवाई बाय डीएक्स को हम इस तरह से पी लिखते हैं। और यहां पे अगर p की पावर में अलग अलग इक्वेशन देखिए, ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स की पावर होगी तो इसकी जो डिग्री होगी वो ज्यादा होगी। ऑर्डर तो dy बाई डी एक्स मतलब 1 ही है, राइट। तो इस टाइप की अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहां पर जो स्मॉल p है वो मैंने dy बाई डी एक्स लिखा है और जो पी जीरो पी वन पी एन माइनस वन ये यहां पर क्या है, ये यहां पर कॉफिशियंट है इसके ना, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई में हो सकते हैं, क्लियर है। मान ये यहां पे एग्जांपल दे रखे, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर माइनस एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हायर डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एक्चुअली में ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, राइट, डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स पावर फाइव, राइट। ये हमारे पास राइट, यहां पर डीवाई बाई डी एक्स की जगह से यहां पर क्या रख दिया, P रख दिया। सो सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो मेथड है वो है सॉल्वेबल फॉर पी। इसमें यहां पे क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, राइट। और फैक्टराइज करके अलग 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 हमारे पास क्या आ जाएंगे, ब्रैकेट्स आ जाएंगे, राइट। जो फैक्टराइज करते हैं तो यहां पर हमारे पास ये स्मॉल पी बनता है, राइट। फिर हम इसको अलग अलग यहां पर क्या कर लेते हैं, जीरो रख लेते हैं, तो पी इज इक्वल टू एफ एन एक्स वाई, पी इज इक्वल टू एफ टू एक्स वाई, पी इज इक्वल टू एफ एन एक्स वाई। इस टाइप से हमारे पास अलग 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 क्या बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं। फिर पी की जगह हम डीवाई बाई डी एक्स करके इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हमारे पास जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए हमारे पास यहां पे जो भी इसका आंसर आएगा वो यहां पे लिख देंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उन सबको लिख के हम वापस क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट, मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं, सबको पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होगा। सो सुन, देखिए यहां पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहां पे अब आपको एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा कि ये सॉल्वेबल फॉर पी है या सॉल्वेबल फॉर एक्स है या फिर सॉल्वेबल फॉर वाई है, राइट। तो सुन, जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि हायर डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की, तो हम यहां पे ये देखेंगे कि ये पी में फैक्टराइज हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे ये इक्वेशन है तो सामने दिख रहा है कि पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पी में हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। कैसे देखो, अगर आप देखोगे तो सुनिए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप देखो इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की हो रही है, जहां पर ए हमारे पास क्या है, सुन एक्स स्क्वायर है एंड बी हमारे पास यहां पे क्या है, सुन माइनस टू एक्स वाई एंड सी हमारे पास क्या रहा है, सुन टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास पी में क्वाड्रेटिक है, सो पी इज इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस का बी, मतलब ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज ये आएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का फोर ए सी। तो सुनिए, माइनस है हमारे पास यहाँ पे, एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर और ये सी है हमारे पास, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फोर ए सी, तो फोर भी यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय टू ए, और टू और ए की वैल्यू हमारे पास कितने, सुनिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। इसमें हम जानते हैं पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा टू एक्स वाई प्लस माइनस, इसमें यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास टू एक्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आएगा टू एक्स स्क्वायर। इसमें आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख रहे हो टू एक्स कॉमन निकल के क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, राइट। तो हमारे पास नीचे x बचेगा तो ये आएगा हमारे पास y प्लस माइनस डिवाइडेड बाय यहाँ पे x बचेगा, और सुनिए यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप, तो p का हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy बाय डी एक्स, और ये आएगा हमारे पास y बाय एक्स प्लस माइनस, सुनिए x अंदर गया तो मैं लिख दूंगा इसको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो, सुनिए हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, जहां पर y इज इक्वल टू वी एक्स लेके इसको हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यार हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, देन यहाँ पे हमारे पास आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। सुनिए वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे आप, यहाँ पे हमारे पास आएगा वी प्लस एक्स
डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जहां पर वी वाई वहां वी एक्स रखेंगे, तो यार ये एक्स एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे वी बच जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ, सुनिए यहाँ पे हम वी एक्स रखेंगे तो एक्स एक्स तो माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आप देख रहे हो यार ये वी से वी कैंसिल हो रहा, सो सुनिए आएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स और यहाँ आएगा हमारे पास ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, देन सुनिए आएगा डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस डी एक्स, सो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट। इसमें सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लॉग सी, सो सर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारे पास साइन इनवर्स वी इज इक्वल टू प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा, राइट। देन ये सुनिए आएगा हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ पे रख देंगे हम वाई बाय एक्स इज इक्वल टू, सुनिए यहाँ पे हमारे पास सी के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस लॉग एक्स ही हो जाएगा हमारे पास। सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस लिया मैंने तो सुनिए आएगा माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब इसको लेंगे हम लोग तो ये आएगा साइन इनवर्स वाई बाय एक्स और जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो सुनिए इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो। सुनिए दोनों अलग अलग हमारे पास आ गए, लास्ट में क्या करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, सुनिए यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ इसको और लास्ट में क्या करता है सुनिए इसके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे पास यहाँ फैक्टर बन रहे आंसर में उन दोनों की एक आंसर आया ये एक आंसर आया दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, तो साइन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस लॉग एक्स इनटू ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो आर, ये हमारे पास क्या जाएगा आंसर आएगा। तो सुन इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, ये भी हमारे पास पी में क्वाड्रेटिक है, आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुन वही कंसेप्ट क्वाड्रेटिक वाला बी इज इक्वल टू क्या होता है, सुन पी इज इक्वल टू माइनस का बी, तो ये हमारे पास बी है तो ये आएगा माइनस का टू वाई कॉट एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर, सुन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास फोर वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 4ac, तो यार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4y स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सुन 2 आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हो यार हमारे पास क्या आएगा p इज इक्वल टू माइनस का 2y, ये आएगा cot x प्लस माइनस, यहाँ से क्या करिए आप 2y कॉमन निकाल दीजिए तो सुनिए आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर, राइट। और हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है सुन cos x स्क्वायर x होता है, राइट। तो यार 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, देन ये आएगा हमारे पास माइनस का वाई, ये आएगा हमारे पास cot x और इसमें ये आएगा प्लस माइनस y cosec x आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें क्या करिए आप y यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें dy by dx लिख देंगे, राइट। एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख दीजिए, क्लियर है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस y, ये आएगा हमारे पास cot x प्लस y, ये आएगा हमारे पास cosec x हो जाएगा और इसी टाइप से यहाँ पे हम कर देंगे सुन dy by dx माइनस का y cot x, सुनिए माइनस का y cosec x हो जाएगा, राइट। इसमें क्या करेंगे ये y कॉमन निकाल दीजिए आप तो ये आएगा dy by dx, राइट, इज इक्वल टू इसमें y कॉमन निकाल दीजिए और ये आएगा हमारे पास माइनस का sin by cos x by sin x आ जाएगा एंड सुन ये भी हमारे पास 1 बाय साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का एलसीएम ले लीजिए इसको उल्टा कर दीजिए, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा डी वाई अपॉन वाई और डी एक्स इधर चला जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू इसमें उधर जाएगा तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स और ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसमें यह आएगा हमारे पास डी एक्स हो जाएगा, राइट। इस टाइप से जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन वाई और चूंकि यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो इसमें माइनस कॉमन आएगा तो यह आएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। ये दोनों अलग अलग टाइप से आपको मिल जाएगा, सुनिए आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे आप सी वन ले लीजिए है ना, एक की जगह आप सी टू ले लीजिए, राइट है ना। इसमें सबसे पहले मैं इसको निपटाता हूँ तो यार इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए आप, सुन यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग वाई आ रहा है और जब इसकी बात करेंगे तो सुन 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 डी एक्स एंड प्लस का सी वन हो जाएगा। आप देख रहे हो साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, सुन ये हो जाएगा हमारे पास टेन एक्स बाय 2 तो ये आएगा हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बाय 2 एंड डी एक्स, इसको मैं लॉग ले लेता हूँ ताकि सब लॉग लॉग हो जाएगा, राइट। तो लॉग सी वन हो जाएगा, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स बाई टू, राइट। तो ये आएगा हमारे पास लॉग सेक एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का होगा नीचे 1 बाई टू तो 2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस लॉग
C1:2 पर चला जाएगा, तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये sec स्क्वायर x बाय टू सी वन, राइट। हमारे पास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y, और ये आएगा हमारे पास cos स्क्वायर x बाय टू माइनस का सी वन इज इक्वल टू जीरो, एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से जब आप सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब मैं सेकंड वाले को थोड़ा अलग कलर में करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, मतलब ये वाले को मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। तो सुन, ये वाले को सॉल्व करेंगे तो यार ये तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई, एंड ये आएगा माइनस का, सुन ये आएगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, राइट। हमारे वन प्लस कॉस एक्स का होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। और ये आएगा हमारे पास टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स प्लस का लॉग सी टू ले लीजिए इसको, राइट। सुन कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल टू से, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, राइट। तो ये होगा लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट एक्स बाई टू है ना डी एक्स प्लस का लॉग सी टू हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग वाई और सुन ये आ जाएगा हमारे माइनस का लॉग साइन एक्स बाई टू, और सुन एक्स बाई टू तो टू ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड ये आएगा हमारे पास लॉग सी टू, क्लियर। तो सुन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो सुन यहाँ पे देखिए आप, ये आएगा हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू ये टू ऊपर जाएगा तो वन अपॉन ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा हमारे पास लॉग है ना कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सी टू हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल। सुन ये नीचे जाके इधर जाएगा तो ये आएगा वाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ जाएगा। इस उन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, मतलब इसको और इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सुन इसका जो आंसर आएगा वाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस सी वन इंटू ये आएगा वाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का सी टू इज इक्वल टू जीरो इज द आंसर, राइट। तो यार इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स, राइट। तो सुन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये आएगा वन अपॉन डी वाई बाई डी, सुन डी एक्स बाई डी वाई को उल्टा कर दिया हमने और ये आएगा हमारे पास एक्स बाय वाई वाई बाय एक्स, राइट। हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास पी है, माइनस का ये अपर हमारे पास पी हो जाएगा, एंड अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो तो सुन ये आएगा हमारे पास एक्स वाई और ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आई थिंक एक्स वाई इधर आ जाएगा, राइट है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे यहाँ पे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी माइनस का एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसमें इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर पी माइनस यह आएगा एक्स स्क्वायर पी प्लस यह आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर पी माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें यहाँ से देखिए आप एक्स पी कॉमन आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे बचेगा वाई पी माइनस का एक्स। इसमें यहाँ से आप देख रहे हो यार ये वाई कॉमन आ रहा है तो इसमें यह आएगा हमारे पास वाई पी माइनस का एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसमें आप देख रहे हो यार ये वाई पी माइनस एक्स और ये आएगा हमारे पास एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें दोनों को अलग 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 रख दीजिए आप, तो यार ये आएगा हमारे पास वाई पी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो और दूसरे को जीरो रखेंगे तो यार आएगा हमारे पास एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें यहाँ पे पी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एक्स उधर गया तो डिवाइड कर देंगे तो एक्स बाय वाई, राइट। और पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो आप देख रहे हो यार ये आएगा हमारे पास वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू सी आएगा, तो बाई टू सी में चला गया तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, ये हमारे पास क्या आएगा एक रिलेशन आ जाएगा। इसी टाइप से जब इसकी बात करेंगे आप तो सुन एक्स और यहाँ पे लिख दूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स, राइट, एंड प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुन ये आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन वाई प्लस ये आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो यार यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट सी टू आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास लॉग वाई प्लस ये आएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी टू ले लीजिए, राइट। तो इसमें यह आएगा हमारे पास लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सी टू, तो आप देख रहे हो यार ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी टू आ रहा है, मतलब एक्स वाई माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। और ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी वन इंटू
एक्स वाई माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुन यार, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना और यही मेथड आपको अप्लाई करना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। स्टूडेंट लास्ट में आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है जो मैंने नए वीडियो से भी अपलोड किया वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा जो पुराने डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे नए चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ फॉर CSIR नेट गेट एंड IIT-JAM, वो आप यहां जाके देख सकते हैं और सुनिया जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।